घर में जब भी खेल होता है तो आप लोग पूछते रहते हैं, अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये सही उत्तर है कि नहीं है, इसीलिए मैंने आप दोनों को आज यहाँ बुला लिया। थैंक यू, यू हैव वेटेड फॉर 999 एपिसोड्स टू गेट डन एंड फाइनली कॉल्ड अस एंड वी विल प्रिपेयर फॉर 1000 एपिसोड्स। फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। ओके, जय, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक्चुअली मैं बोलने वाली थी कि आप काफी अच्छे लग रहे हैं सूट में, घर पे तो आपको गाउन में ही देखते हैं हम, तो अच्छा लग रहा है आपको सूट में देखते हुए। घर पे जब हम देखते हैं केबीसी, मामा नव्या में अगस्त्या बैठ के, तो आपके स्टाइल और कपड़ों पे बहुत चर्चा होती है कि आज अच्छे लग रहे हैं, आज ये कलर पसंद नहीं है। मामा सबसे ज्यादा कमेंट्स मामा के, उनको कोई कलर्स आप पे अच्छे नहीं लगते तो वो डायरेक्टली बोल देती है कि अरे आज तो अच्छे नहीं लग रहे। जया, अरे ये क्या बोल रही है नव्या की, बहुत से कलर्स हैं जो आप कहती है कि मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको खुद को मैंने कहा हुआ है, एक तो पता नहीं मरून ब्राउन पहन के। और एक कुछ अजीब सा वायलेट कलर का सूट पहनते हैं वो भी। थैंक्स नानी, आज मैंने वायलेट तो नव्या ने भी पहना हुआ है। नेवी ब्लू, इतनी खूबसूरत लग रही है। वो नाना का जो है वो कुछ अजीब सा मोव और पता नहीं, अच्छा नहीं। और हम जो वायलेट पहनते हैं वो अच्छा नहीं लगता है आप पे? नहीं अच्छा लगता है। जाओ, हम बात नहीं करेंगे। हम लॉकडाउन पे थे, पूरा परिवार एक साथ था, हम टाइम बिताने के लिए हम गेम्स खेलते थे, तो हम डम शराज खेलने लगे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वर्स्ट प्लेयर वाज आप। चैलेंज कीजिए, कभी भी हम करके दिखाएंगे आपको। अभी करके दिखाइए, हम सब गेस करेंगे। हाँ, one word, film, movie, छोटे से बड़ा होना। आप बड़े हो गए, आप बड़े होके डाइव करेंगे। आप गंगा में कूद गए। Yes. हाँ। आपके बेटे का फिल्म है, पहला फिल्म रेफ्यूजी। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? बड़ा बढ़िया यार, हम रोज केबीसी देखते हैं, आप हमारे बारे में और क्या क्या बोलते हैं, मामा के बारे में जो कहते हैं, नानी के बारे में आपने काफी कुछ बोला है। आपकी वाइफ के 5 मिस कॉल्स हो और आपने उसे 1 घंटे के बाद देखा तो क्या होने के चांसेस है? अर्थक्वेक। और 1 घंटे के बाद जब हमने फोन किया जी, मैंने कहा बताओ क्यों फोन किया था, आज रात को खाना क्या खाएंगे आप? दर्शकों मैं आपको बताऊं, आप इनको फोन करिए, कभी फोन उठाते नहीं। नहीं, पर अगर अगर शूटिंग कर रहे हैं तो साउंड नहीं आना चाहिए ना। नहीं, लेकिन आपको याद है जब ग्रुप चैट पे जब नानी फ्लाइट ले रही थी आई थिंक दिल्ली से, तो उन्होंने मैसेज किया था ग्रुप पे कि आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट, तो हम सब ने रिप्लाई किया कि जी बिल्कुल सेफ फ्लाइट लैंड हो गई, हमने बोला वेलकम होम, घर आ गई है, वो खाना खा रही है, आपका रिप्लाई 4 घंटे बाद आया है, ओके जया सेफ फ्लाइट, मतलब वो घर पहुंच भी गई है। और जहां रहे बात खाने की, जब कुछ पता नहीं होता है तब बोलते हैं कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी क्या है, रोटी नॉर्मल फूड नहीं है, नॉर्मल। अच्छा तो वड़ा पाव? नहीं नहीं, रात को वड़ा पाव नहीं खा सकता हूँ, पेट में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जो तुम्हारे मन में है खिला दें। इतनी सारी चीजें बता दी वो मेरे मन की नहीं थी। आज देवियों संगियों केबीसी अपने 1000 एपिसोड्स पूरे कर रहा है। जी हाँ, 1000।